गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इसके वीडियो में। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं, हम और आरिफ बाइक रेडी है, कहीं जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को आगे आगे चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ? अरे अरे यार, 8 बजे, हम तो 10 बजे तो सूत के उठे हैं। तो रात में ना सो पाए? रात में हम भी ना सोए, रात में हम 4 बजे सूते हैं इसका मोबाइल ठीक करते करते। कसम से भाई, वीडियो बन रहा हूँ भाई। तो जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम गाड़ी हैं गाड़ी पे और आगे की ओर निकल रहे हैं, जा रहे हैं। फाइनली बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं शरघाटी, सूर्यास्त हो रही है। गाड़ी है पीछे, थाना वाला है रे बेटा। तो ये है, देख सकते हो। और अभी रास्ते में हैं, जैसे देख लीजिए, और बस पूरा सरघाटी जा रहे हैं। भरने का फीस जमा करना है उसके लिए, तो बस पहुंचने ही वाले हैं। ये आप लोग देख लीजिए, रास्ते में हैं। ये भी पता है, तभी फीस जमा करना है, उसी के लिए जा रहे हैं। चलिए वहाँ चल के मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम DAV स्कूल सरघाटी में इंटर कर चुके हैं, अंदर पहुंच गए हैं फ़ीस जमा करने के लिए। फ़ीस जमा करना था मुझे, तो इसी के लिए अभी यहां आ चुके हैं। और आगे चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये DAV की बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छी है, और ये काफ़ी बड़ा स्कूल है। और एजुकेशन भी ठीक है, मिला जुला करके अच्छा है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन ऐसा आ गया है कि उसके वजह से बच्चों का एजुकेशन
एकदम ठप हो गया है, उसके बावजूद भी फीस वगैरह जमा करना पड़ रहा है, तो ये गार्जियन के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो जी अभी निकल गए हैं, स्कूल में ही हैं अभी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये स्कूल ही है और ये बुक है, ये फीस का ये है। तो लगभग काम यहाँ पर का हो गया है, अब निकल रहे हैं घर की ओर और एक दो काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। आप लोग देख लीजिए अभी काम हो गया है यहाँ से, और ये रहा DAV पब्लिक स्कूल, ये रही अपनी गाड़ी, और ये रहा मिस्टर आरिफ किताब लेकर के। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं कि अभी देख नहीं सक रहे हैं, बट अभी देख सक रहे हैं कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का काम चल रहा है, ये इसमें पलंग में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे 3 ठो लाइट लग रही है, और फिर जब लाइट लग जाएगी उसके बाद आप लोगों को ये दिखा देंगे कि ये लाइट मतलब जल कर कैसी लग रही है पलंग में। उसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, उसके बाद फिर नया व्लॉग चालू करेंगे। तो बोल रहा था ना कि तो 6 बजे एक बार लाइट लगावेगा तो तार ना काटे पड़ेगा, अब तार बढ़ावेगा तो तार छीले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बबुआ। तो वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, तो ऐसा है कि मतलब लाइट लग गई है, और अब आप लोगों को दिखाने की बारी है कि लाइट कैसी लग रही है देखने में पलंग में। हर जारीफ बेटे साइड हटो, और ये आप लोग देखिए कैसी लग रही है, माशाल्लाह लाइट देख लीजिए यहाँ पे, ये लाइट लग गई पलंग में और ये लाइट इस पे आ रही है बेड पे। तो आप लोग देख कर बताओ कि ये लग रहा है। अभी हम लोगों ने एक ट्राई किया है कि अभी रूम को पूरा अंधेरा कर दिया, उधर का गेट बंद करना, उसको भी बंद करना गेट को, तो मतलब चारों तरफ से अंधेरा कर दिया, और अब लाइट की रोशनी देख रहे हैं कि मतलब बेड पे कैसा लग रहा है। तो आप लोगों को उठ करके दिखाते हैं कि बेड पे कैसा लग रहा है, मतलब देख लो अभी चारों तरफ अंधेरा हो गया है, बस इसलिए देख लो, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फाइनली कैसा लग रहा है, वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग, देख लो कितना मस्त लग रहा है ना आरिफ। और ये क्रेडिट जाता है इस सरदार दुपट्टे को। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पीस आउट।